नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे सीमा, सचिन, लव या लोचा। सरहद पार दुश्मन देश से आई सीमा हैदर और उसके नादान से प्रेमी सचिन की प्रेम कहानी इन दिनों मीडिया में छाई हुई है। सचिन जहां एक अनुभवहीन मासूम सा लड़का दिखाई देता है, तो वहीं सीमा परिपक्व और तेज तर्रार महिला नजर आती है। दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत पबजी गेम से हुई और प्रेम कुछ इस तरह से परवान चढ़ा कि सीमा सब कुछ छोड़ छाड़ कर सचिन के पास चली आई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। सीमा के जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो बहुत संदेह पैदा करते हैं। उसके परिवार का पाकिस्तानी फौज से जुड़ा होना, उसके बोलचाल, हाव भाव, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर सीमा इस वक्त है, बहुत संवेदनशील इलाका है और कई देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र भी रह चुका है। इस क्षेत्र में अतीत में कई संदिग्ध आतंकवादी और जासूस पकड़े जा चुके हैं। इसलिए सीमा और सचिन से ATS गहन पूछताछ कर रहे हैं। सीमा के अतीत का पता लगाया जा रहा है। हर एक पहलू को गंभीरता से समझने की कोशिश की जा रही है। सीमा और सचिन की उम्र का अंतर और सीमा का पहले से ही 4 बच्चों की मां होना भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जिस तरह नेपाल बॉर्डर से सीमा हैदर आसानी से भारत आ गई, उससे ये पता चलता है कि हमारी सीमा सुरक्षा बेहद कमजोर है। नेपाल के रास्ते भारत में शत्रु देश के नागरिक आसानी से दाखिल हो सकते हैं। यदि ये सच्चा प्यार है तो फिर इसके बीच में दुनिया को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यदि ये देश के खिलाफ कोई साजिश है तो फिर सतर्क रहना भी आवश्यक होगा। क्या हो सकती है सीमा की सच्चाई, कोशिश होगी जानने की। बहरहाल इस पर जाँच तो हो ही रही है, होगी इस पर बहस। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सीमा हैदर से जुड़ी हुई मिली है, वो सुन लीजिए। कि ये जांच का विषय है और सरकार जैसा कह रही कि अभी सुनने में आया कि ATS जांच कर रही है, जांच करे और निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार इस पे ईमानदारी से कार्य करे और जांच करके अगर होता है कि सीमा कहीं से खुफिया वाली एजेंसी के ताल्लुक रखती है तो उसको देश से बाहर करें और सख्त सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो केवल मात्र झूठ बोलते रहते हैं। अगर कोई एजेंट है तो इतने दिन से हिंदुस्तान में क्या कर रही थी एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों नहीं पता चला? और निश्चित तौर पे ये देश के साथ खतरा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। विभिन्न घटनाओं को जो पिछले क्रम है आप देख लीजिए, इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा है। तो विपक्ष इसे इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहा है कि कैसे कोई भी लड़की किसी भी कारणवश अब दूसरे देश से हमारे देश में आ जाती है बगैर वीजा के, 4 बच्चों को लिए, और उसके बाद एक अलग ही कहानी शुरू होती है। हालांकि इस पर ATS जांच कर रही है, लेकिन अलग अलग टिप्पणियां भी इस पर राजनीतिक दलों की भी हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी ओपिनियन जानने की कोशिश होगी कि वो क्या इस मैटर को लेकर सोचते हैं। अनिल शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी स्वागत करती हूँ आपका। इंजीनियर आशीष रावत साहब नेता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत साहब स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ ज्वाइन हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत। और दिनेश सर आप ही से शुरुआत, किस मामले को कैसे देखते हैं आप? एक तो बताया जा रहा है कि जिस एरिया में इस वक्त वो रह रही है वैसे ही थोड़ा सा संवेदनशील इलाका है और इस तरीके से सीमा का स्तर आना कई तरह के डाउट तो पैदा करता ही है, लेकिन अब इस पर जांच हो रही है। लोगों का कहना है ये सच्ची प्रेम कहानी है तो इस पर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये वाकई कोई खुफिया तंत्र का काम है या फिर किसी दुश्मन देश का काम है तो उसको लेकर जाँच होनी चाहिए और जाँच हो भी रही है। आप क्या समझाएंगे इसको लेकर? एक सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत चली आई अपने प्यार में, जो एक मुश्किल से कक्षा 8 या 9 पास पढ़े हुए एक सचिन से, जिसकी बोल चाल में भी उसकी भाषा और उसकी योग्यता प्रदर्शित होती है, ये एक जांच का विषय अवश्य है जी। क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है, वहां से कोई भी व्यक्ति प्लांट किया जाता है। लेकिन आप रोहिंग्याओं के बारे में क्या कहेंगे जो भारत के मुसलमानों के घर घर में शरण पाए हुए हैं? आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि जिन्होंने कुछ 100-200 वर्ष पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया, क्या वो हिंदू धर्म से गद्दारी नहीं थी जो इस्लाम धर्म में आए? अगर सीमा ने सोचकर भी या जिस नाते भी अगर उसने घर वापसी की है तो उसके लिए भारत के मुसलमान और हमारे कुछ सेकुलरिज कहे के लिए तिलमिलाए हुए हैं। निश्चित रूप से सीमा को बाहर उसके पाकिस्तान सौंप देना चाहिए, लेकिन जो भारत के मुसलमान अपवाद को छोड़कर जिस प्रकार से उसको फांसी पर लटकाने के लिए, जिस प्रकार से ATS के
उसके चंगुल में फंसाने के लिए, जिस प्रकार से एक हफ्ते से पूरा मीडिया उसका ट्रायल कर रहा है, जिस प्रकार से उसको एक से एक एंगल उसको जोड़कर दिखाया जा रहा है, कम से कम तथ्यों पर कंटेंट पर जाना बहुत जरूरी है। ये कोई बात नहीं हुई, वो ठीक है उसने एक गंदा काम किया, वो भारत की सीमा लांघ कर आई, लेकिन भारत की सीमा तो आए दिन जाने जाने कितने पाकिस्तानी लांघते हैं। कम से कम 25% भारतीय मुसलमानों के घरों में पाकिस्तानी रहते हैं, और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसको LIU बोलते हैं, वो उन पाकिस्तानियों से मेहनताना लेती है, हर महीने उनसे पैसा लेती है इस बात का कि हम तुम्हारा कहीं राज नहीं खोलेंगे। जांच कराइए, ATS इसकी भी जांच करे, लोकल इंटेलिजेंस जांच करे, LIU वो आपका आई भी जांच करे, और रॉ भी जांच करे। रॉ को पता है कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर घुसपैठ है, बांग्लादेश के लोग पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे आपके देश में, आपके देश इस, हर इस इंसिडेंट ने ये तो बता दिया कि सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आसानी से आया जाया जा सकता है, बाकी एजेंसियों को जांच करने की आवश्यकता है। ये ऐसा है क्या नाम, ये आज की बात नहीं, पाकिस्तान भारत और नेपाल का जो रास्ता है वो आदर्श रास्ता है, और आपको अगर मालूम हो तो नेपाल की तो अर्थव्यवस्था ही इन घुसपैठियों पर चलती है। आप ये नई बात कौन सी कह रही हैं? पूरे भारत का जो भी बॉर्डर है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, जो महाराजगंज और इधर लखीमपुर खीरी और जो पूरे इलाके हैं, ये तो घुसपैठ के आदर्श अड्डे हैं। मैं सीमा की बात कर रहा हूँ, आपने सीमा की बात की है जी जी, तो सीमा के विरुद्ध कार्रवाई और जांच होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी का भी इस तरह से ट्रायल नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया और आपने मीडिया ने उसको शुरू कर दिया कि इसको जासूस और ये हनी ट्रैप और ये वो निर्भया केस देखेगा क्या क्या नतीजा निकला, तलवार केस देखेगा क्या नतीजा निकला, ये मीडिया ट्रायल के विकृति पैदा हुए केस थे जिनका राज खुलने से रह गया। ठीक है सर, आप इस मामले में अगर कोई बात कह रहे हैं या जांच एजेंसी जांच कर रही, तो उनको जांच करने दीजिए, आप अपने निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। आप अगर इतने बड़े अगर खबर नवीस हैं तो आप में से बहुत से लोगों को IAS IPS होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े जानकार हैं चीजों के। देखिए ट्रायल अच्छा नहीं है, मीडिया पत्रकारिता के अंदर ट्रायल को मना ही है, पत्रकारिता के अंदर प्रैक्टिकल करना मना है, पत्रकारिता के अंदर गॉसिप पर मजाक करना मना है, लेकिन हमारे मित्रों से हम ये कह नहीं सकते, हमारा अपना वो है। लेकिन सीमा के केस में मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, वो आई उसने अपराध किया और वो उस गांव के अंदर गई। आप दिल्ली NCR और कई देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी जहां पर पाकिस्तानी पूरी तरह से घुसपैठ नहीं किए हुए हैं बल्कि नौकरी पाए हुए हैं। मुझे लगता है रावत जी को इस बात को लेकर जवाब देना चाहिए। रावत जी, कई सारे सवाल आपके सामने हैं कि इस घटना के बाद ये तो साफ है कि आप कितना भी इसको सच बता लीजिए, लेकिन इतनी आसानी से वो महिला खुद बता रही है कि वो कैसे आई है, और उसके बाद तमाम तरह की कहानियां शुरू हो गई। हालांकि मसला इससे भी जुड़ा हुआ है कि अगर वो महिला आई है, उसकी कहानी जो भी हो, लेकिन वो यहाँ तक आई कैसे, कहाँ लूप होल है, कहाँ हम छूट रहे हैं, क्या ये देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, और अगर है तो उसको लेकर जांच होनी चाहिए, और ऐसे कितने लोग देश में बैठे हुए हैं जो घुसपैठिए हैं, उनको भी निकाल बाहर करना चाहिए। आपने जो बोला कि देश की सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं है, बट हमारे जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहां से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण है और बहुत ही पहले से चल रहे हैं, तो उस चीज का सीमा हैदर ने फायदा उठाया है। और जैसे ही कुछ चीजों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी राज एजेंसी हमारी UP ATS जांच कर रही है, UP ATS जैसे ही कुछ चीजें अभी बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, बिना हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते हैं, बट जैसे निसंदेह सीमा हैदर ने गलत किया है, अगर उनके अंदर जो चीजें थी उनका प्यार था या कुछ भी जो प्यार था, तो वो अपने एक संवैधानिक हिसाब से पासपोर्ट अप्लाई करती, वीजा लेती, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ आती, बट उन्होंने एक निश्चित रूप से गलत किया है कि उन्होंने अवैध तरीके से भारत में एंट्री करी, हमारे देश में एंट्री करी है, तो ये चीज गलत है और हम इस चीज के लिए कह रहे हैं। दिनेश सर ने कहा ऐसे कई सारे घर हैं जहाँ पर इस तरह से आए हुए रोहिंग्या रह रहे हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं जाता, उनका ये भी बताना है कि तो पूरा सभी जानते हैं कि नेपाल वाया नेपाल होकर कई सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पर ठहर जाते हैं, जिसको लेकर उनका इतना बड़ा आरोप है कि इनसे कुछ अमाउंट भी वसूला जाता है जिनके यहाँ ये सब रहते हैं राज छुपाने के लिए। अमाउंट की एक अलग वो एक अलग विषय है, बट हमारे यहाँ जो LIU सर ने बोला है कि LIU ने जो चीजें LIU हमारे यहाँ जो एजेंसी है इन चीजों पे
जो निचला एक स्तर है वहां पर हम एक उंगली नहीं उठा रहे हैं, बट उन लोगों की अपनी जिम्मेदारियों से कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग आपकी मदद, कुछ जैसे भी सर ने बोला था अपवाद, कुछ लोग अपवाद होते हैं, कुछ लोग अपने मिलन मिले भगत से कुछ चीजें गलत करते हैं, तो उन चीजों को लेके हम नहीं कहेंगे, सभी पे उंगली उठाना भी उचित ठीक है कपिल जी, और संदेह के घेरे में जो चीजें उनके लिए ठीक है। अब ये मामला गंभीर होता चला जा रहा है कपिल जी, और जाहिर सी बात है जो भी राज है उसको निकल कर सामने आना चाहिए, और दिनेश सर का ये भी कहना है कि जिस तरह से ट्रायल हो रहे हैं वो भी होना गलत है, लेकिन इसकी भी डिटेल्स सामने आनी चाहिए कि और कितने लोग हैं जो इस तरह से आए और रह रहे हैं, आखिर कैसे कोई बगैर वीजा के इस देश में दाखिल हो जाता है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी का आवाज मिल रही है क्या? ठीक है मैं लौटूंगी, उनका आवाज चेक कर लेते, वॉइस चेक कर लेते। जी सर आवाज मिल रही है आपको? जी सर कहिए। प्रश्न मैंने सुन लिया, मैं ये जी सबसे पहली चीज तो आपको हम ये कहना चाहते हैं, मीडिया है या नहीं हो रहा है ये एक अलग की बात है, मीडिया सूचना आता है ना, चाहे देश के हित में हो या के विरुद्ध हो, जरूर हम कहेंगे कि इस पर उतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए जितनी चर्चाएं मीडिया पर हो रही है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि इस पर क्राइम पे बात करें, इनोसेंट है या वो गई जासूसी करने के लिए, ये एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके तमाम बिंदु होते हैं और सब पर शंका करके ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं ये उनके फेल्योर का एक बड़ा प्रमाण है जो खुल करके सामने आया। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर आकर के बसे हुए हैं तमाम, जहां आप कह रहे हैं, तो एक बात यह कहता हूं कि सिर्फ इतना बता दीजिए, जो मुसलसल लोग चले आ रहे थे, अन्य सरकार तो नाकामयाब थी इसमें कहीं दो राय नहीं, आपकी बात मान लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 साल इधर और 6 वर्ष 13 दिन उधर शासन की, यानी कि 16 साल के शासन का, तो इनका भी फेल्योर है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रोक पाए, ये रोहिंग्या घुसपैठ नहीं रोक पाए, और बाकायदा आधार कार्ड बांट करके मतदाता पहचान पत्र दे करके बैठा दिए, और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, क्या नोएडा के अंदर नहीं है, क्या दिल्ली के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर प्रश्न खड़ा करने पे आप पाकिस्तानी हो गए, अगर हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, और हमें मानना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, राका भी फेल्योर है कि अगर पाकिस्तान से एक लड़की चाहे जैसे कहां कहां होते हुए नेपाल पे आई है और उसको बकायदा हम अपने हिंदुस्तान की सरजमी पे एक छत पे बसा रखें इसलिए कि वो लव एंगल का मामला है, ये कैसा लव एंगल है कि आपको लगता है क्योंकि ये मामला उठा इसलिए कार्रवाई करने को मजबूर भी होना पड़ा, वरना शायद और भी काफी लंबे समय तक सीमा रहती इसी तरीके से जिस तरीके से अब तक रहती आई है। ठीक है कांग्रेस की तरफ जा रही हूं, कपिल जी वापस लौटूंगी आपके पास। अनिल जी बताइए आप क्या सोचते हैं इस मामले में, क्योंकि ऐसे आज की ये घटना नहीं है, ऐसी कई सारी घटनाएं भूतकाल में भी हमने देखी हैं जब दूसरे देश से लोग आए और हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, और उन्हीं में से अगर ये सीमा है तो जांच तो हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि देश की सीमाएं कमजोर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आखिर अभी तक क्यों इस मामले में चुप बैठे हुए थे। कहिए अरुण जी, देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लग रही है, देश की सरकार मौन है, एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, एलआईयू अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच पर विषय, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और सघनता से जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अभी आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने बहुत सारी अच्छे व्याख्यान दिए कि इस देश में घुसपैठिए मुसलमानों के घरों में,
तो ये सरकार क्या मौन व्रत धारण किए हुए है, आखिर उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? जहां अगर मुसलमानों के घरों में बताए जाते, मैं एक छोटा सा प्रकरण बताता हूं, उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में एक समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को घर वापसी का शुद्धिकरण कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों के द्वारा। दो चार दिन बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो एसएसपी महोदय से, तब कमिश्नरेट नहीं था, और एसएसपी महोदय से बीजेपी के विधायक जाते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। भाई पहले तो ये क्लियर कीजिए कि अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो ये आपने घर वापसी कहां से कराई? अगर घर वापसी आप करा रहे हैं तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे? उन मुसलमानों को आप हिंदू बना रहे हैं, आप एक तरफ घुसपैठिए बता रहे हैं, भाई कौन सा स्वरूप है स्पष्ट करिए। अगर ये बांग्लादेशी है तो अपने पुराने घर में कैसे आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका तालमेल है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और आप मौन है। सरकार को चाहिए देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें। मैं इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना सा कहना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से मत खेलिए। ये देश हमारा है, ये देश आपका है, और देश की एकता और अखंडता के लिए सभी लोगों को राजनीतिक दलगत आज एक होने का काम करना है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इससे खेलने की तो खैर कोई जरूरत कर नहीं सकता, लेकिन जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जिनकी वजह से ये हो पाया, सीमा जैसे न जाने और कितने लोग भी इसी तरीके से आ भी पाए होंगे, क्योंकि सीमा को भी किसी ने रास्ता दिखाया ही होगा, अगर जिस तरीके से वो एंटर की है देश में, तो ये कौन लोग थे जो ऐसे लोगों को देश के अंदर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, और उन्हें ही आप लोगों ने सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है? रावत साहब, आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई साहब जो कह रहे हैं कि देश की आंतरिक और सीमाओं की बातें, वहां पर तो हम लोग इतना कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, निसंदेह रूप से कर रही है, कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है तो उनको सुधार भी किया जा रहा है, सुधार करके तो हम लोग चिन्हांकन करके उनको निकालेंगे। हम किसी पर बिना जांच किए हुए किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं कर सकते हैं। अब हमारा 16 साल का शासन राज के पहले आपका शासन राज, एक दूसरे पे आरोप ना लगाते हुए हम सीधी सी बात किस पे आते हैं कि जैसे उन्होंने किया या हमारी सरकार करी, या हमारा व्यक्तिगत यहाँ पे अपना अनुभव दे रहा हूँ कि जैसे आपने बोला है कि हमारा देश, हमारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, ये हमारा दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर ही प्रयास करना चाहिए। जो हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से जो हमारे आस पास जैसे घुसपैठिए आते हैं, जैसे मान ली सपोज दैट मैं ही एक जगह पे रहता हूँ तो हमारे आवास के अगल बगल कोई आता है तो ये हमारे आपस में चीजें हम लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एलआईयू एक संस्था है, एलआईयू में जाके हम लोग कहीं भी आपस में ही चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, तो वो भी कहीं ना कहीं हिडन होता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं अपना व्यक्तिगत एक अपनी सोच बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। जैसे हमारे पास संदिग्ध कोई चीज आती है हम खुद जाके बताते हैं, एलआईयू ने कहीं ना, जैसे एलआईयू है हमारी जो जांच, इसी को ढूंढने के लिए तो हमने इतनी एजेंसीज बनाई है सर, इतनी सारी एजेंसीज ऐसे लोगों को ही ढूंढने के लिए, ऐसे लोगों को ही रोकने के लिए तो काम करती हैं। या तो वो एजेंसी काम नहीं कर रही हैं, या उनसे काम करवा नहीं पा रहे हैं। इस देश में एलआईयू का दरोगा 500 रुपए में बिकता है। इस देश में एलआईयू का दरोगा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का दरोगा 500 रुपए में बिकता है, और न जाने कितनी बार रोज बिकता है। कितने पासपोर्ट बनते हैं जो कि केवल 500 रुपए लिए और उसमें नो ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने एक बात कही थी, ये लंबे समय से चला आ रहा है। अनिल जी, आप शायद उस समय पॉलिटिक्स में थे कि नहीं थे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एक ड्रग तस्कर, एक घुसपैठिया जो भारत के अंदर ही था और जो क्रिमिनल भी था, जिसका नाम शहरयार था, उसको छुड़ाने के लिए अमेरिका गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी कि प्लीज इनको छोड़ दीजिएगा, ये हमारे यहाँ के बड़े नेक इंसान हैं। भारत के इंडियन एक्सप्रेस ने, भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बड़े बड़े उस समय अखबारों ने इस बात को छापा था कि देखिए राजीव गांधी जी क्या प्रधानमंत्री होकर ऐसे अपराधियों को, ड्रग तस्करों को छुड़ाने गए हैं अमेरिका के अंदर, और वही ऐसा नहीं कर रहे हैं, और भी लोगों ने ऐसा किया। मेरा मूल विषय, आपका मूल विषय यह है सीमा। अगर आप सीमा को, केवल अकेली सीमा को ये मानते हैं
कि ये देश का इतना ज्वलंत मुद्दा बन चुकी है, तो ये आपको मुबारक हो, ये सोच भी और ये इन्वेस्टिगेशन भी, ये ट्रायल भी। लेकिन अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के अंदर इस प्रकार का एलिमेंट बहुत ज्यादा घुस चुका है, घरों के अंदर मौजूद है, जिसका निकालना बड़ा मुश्किल है, जिसमें कि रोहिंग्या तो इस समय चरम पर है। अब ठीक है, अब आपने एक बात और मैं बताऊं, देखिए इस मामले में, इस मामले में जिस प्रकार से, भाई साहब मैं एक बार अपनी बात खत्म कर देता हूं, जल्दी कर, इस मामले में, ठीक है, इस मामले में जिस प्रकार से सीमा को घर जाकर उसके और बार बार उसको ऐसे क्वेश्चन करके, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमारा काम है कि हम एक पूछा तो जा ही सकता है, और अब क्योंकि सस्पेक्टेड चीजें हैं तो उस पर जांच हो रही है। ठीक है, समय कम है थोड़ा, तो अब मैं बाकियों को भी थोड़ा समय दे दूं। कपिल जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। अरुल जी, सबसे पहली चीज तो ये कि बिना वीजा के इस देश में आना ही एक अपने आप में क्राइम है, जिसके लिए बकायदा 10 साल की सजा है। सीमा को अभी तक हथकड़ी क्यों नहीं लगी, ये एक ताज्जुब का विषय। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप वाकई नेशनलिस्ट हैं, अपने देश के कानून के साथ खड़े हैं, तो कानून तो यही कहता है क्यों नहीं लगी। मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता है वो लव कहेंगे, ये भी हो सकता है लव इतना ज्यादा ब्लाइंड हो कि कोई लड़का अपने से कहीं बड़ी औरत से उसके भी 4 बच्चों के साथ उसको स्वीकार कर रही है, शायद हम पैनल पे बैठे हुए कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाए, कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है, आपका कहना है कि पहले ही मामला, अगर इस मामले में अपराध सिद्ध होता ही है, धाराएं हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये सरकार पर बहुत बड़ा। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के घर में 25% रोहिंग्यास रह रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि इस देश की मोदी सरकार और इस देश में अन्य प्रदेश सरकार, फिर और भी गंभीर मामला हो जाता है। 30-30 सेकंड बाकी के पास, मोदी सरकार के समय की बात नहीं है, ये मोदी सरकार के पहले समय से होता रहा है, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार आई तो तब ये रह रहे हैं। अनिल शर्मा जी 30 सेकंड, 25% मुसलमानों के घर में रोहिंग्या, सर मुझे इजाजत लेनी होगी, जमीन से जुड़े आदमी है, ये झोपड़ी भी जानते होंगे, ये मकान भी जानते होंगे किस में रह रहा है, तो आप देश हित में कीजिए ना मित्र, आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, समय कम है सर, अनिल शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, कपिल जी 30 सेकंड, अनिल शर्मा जी जाकर के इनको गिरफ्तार कराइए, अनिल जी ये आप कपिल जी प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलिए अनिल जी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। पुलिस के इंटेलिजेंस क्या सो रही है, सीआईडी हमारी सो रही है, कपिल जी अनिल शर्मा जी का नाम ले रही हूँ मैं, समझिए ना प्लीज, अनिल शर्मा जी का नाम ले रही हूँ मैं। अरे उसे दिनेश जी को जाके कम से कम वही बता देना चाहिए कि किन 25%। दिक्कत यही है कपिल जी, दूसरों को आप बोलने नहीं देते हैं, ये दिक्कत हो जाती है, फिर बाकियों का समय भी आप ही ले लेंगे, तो दूसरे फिर कैसे बोलेंगे, गलत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे से हम चाह रहे थे कि इस चर्चा को हम होने दें, और ये चर्चा हो भी रही थी बहरहाल, लेकिन अभी पूरा मामला सुरक्षा को लेकर सामने आ गया है कि ये पूरा मामला, अगर सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा इतनी मुस्तैदी से हो रही है, तो ऐसे कोई देश के अंदर कैसे आ सकता है, और अगर सीमा बगैर वीज़ा के आई है तो पहले ही उस पर मामला दर्ज हो जाना चाहिए, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, एटीएस पूछताछ कर रही है, क्योंकि ना केवल ये बगैर वीज़ा के अंदर देश में आने का मामला है, बल्कि और भी चीज़ें संदिग्ध दिख रही हैं, जिसको लेकर ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या सीमा कोई जासूस तो नहीं है। ऐसे में अब ये जांच कहां तक जाती है ये अलग बात है, लेकिन अब इस मामले के साथ साथ और भी पुराने मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अभी देश के अंदर रह रहे हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं, और किसी न किसी घर में कोई ना कोई उनका साथ दे रहा है। इतनी बड़ी बातें अगर हो रही हैं तो क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और वो कौन लोग हैं जो देश की सीमा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और ऐसी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि कोई भी देश के अंदर आ जा रहा है बगैर वीज़ा के। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।